हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सपना शर्मा और सपना अमित्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम मलाई से मक्खन कैसे निकालते हैं और हम मक्खन से घी भी बनाएंगे। जिस तरीके से हम घर पर घी निकालते हैं, आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम गाय का दूध यूज़ करते हैं और उसकी मलाई एक बर्तन में ऐसे डालकर उसे अच्छे से हिला लेंगे। हमें रोज़ यही ट्रिक आजमानी है, दूध से मलाई निकालनी है और उसी बर्तन में डालकर उसे अच्छे से हिलाना है। इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक डेली चम्मच से हिलाएं। इससे मलाई से घी बहुत जल्दी निकल जाता है। अब इसे 2 घंटे के लिए ढककर रख दें और 2 घंटे बाद इसे फिर से ऐसे ही चम्मच से हिलाएं। अब हम इसे गैस पर धीमी आंच पर रखेंगे और 30 सेकंड से 1 मिनट तक पकाएंगे और इसे बीच में ऐसी चम्मच से हिलाते रहेंगे। देखिए मक्खन निकलना स्टार्ट हो गया है, ये थिक होने लगा है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ऐसे ही हिलाते रहेंगे। इसे चम्मच से ऐसे ही हिलाते रहना है लगातार। देखिए मलाई से मक्खन अलग होना स्टार्ट हो गया है। मलाई से मक्खन निकालने के लिए सिर्फ 1 से 2 मिनट ही लगेगा। इसे लगातार ऐसे ही हिलाते रहें। देखिए पूरी तरीके से मलाई से मक्खन अलग हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम मक्खन को किसी साफ बर्तन में निकाल लेंगे। हमें सारा मक्खन इसी तरीके से निकाल लेना है। अब हम मक्खन को 3 से 4 बार साफ पानी से धो लेंगे। मक्खन को तब तक धोएं जब तक कि ये अच्छे से साफ ना हो जाए। मक्खन को ठंडे पानी से ही धोएं। ये देखिए मक्खन धुलकर अच्छे से साफ हो गया है। अब हम इस मक्खन से देसी घी बनाएंगे। अब हम किसी बर्तन में मक्खन को डाल देंगे और गैस ऑन कर देंगे। अभी गैस की आंच तेज ही रखें और मक्खन को पिघलने दें। घर पर मलाई से मक्खन निकालना और मक्खन से घी बनाना बहुत आसान है। इसे बीच बीच में ऐसे चम्मच से हिलाते रहें ताकि मक्खन नीचे से जले नहीं। अब गैस धीमी कर दें और इसे धीमी आंच पर ही पकाएं। इसे पकने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसे बीच बीच में ऐसे हिलाते रहें। आप इसे बहुत कम समय में मलाई से मक्खन और मक्खन से घी बड़ी आसानी से बना सकते हैं।
घी को हम तब तक ही पकाएं जब तक कि ये ऐसे साफ देसी घी नज़र ना आने लग जाए। टाइम आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे इसको बनाने में 15 मिनट लगे। लीजिए, देसी घी तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। घी अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसे किसी छाननी की सहायता से अच्छे से छान लेंगे। आप चाहे तो इसे किसी भी बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं या फिर किसी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।